Good morning, students. Now today we start our new chapter, chapter number 5, data handling. Okay, as you read in earlier classes, what is the meaning of data, how we arrange the data in a systematic manner, right? So here we'll little bit revise concept of data handling, right? And in this chapter we will discuss about the histogram, a new form of graphical method to represent the data, right? Then we will discuss about the frequency table or group frequency table, right? So let's we start our chapter, data handling. Students, there is so many ways to represent the data, right? First, that is tabular form. We can arrange the data in tabular form. We make a table to arrange the data in a systematic manner, right? Second, we use pictures and symbols, that is known as pictograph, right? By using pictograph we can arrange the data in a systematic manner, right? Then we have a graphical representation, that is bar graph, double bar graph. Yes, these are the methods to represent the data in a systematic manner. You know that data is a collection of numbers, right? Whenever we need any information, we collect the data. Like an example, in a classroom, a class teacher arranged all the information of the each and every student in the class register. This is the process to arrange the data in a systematic manner. And this process is known as data handling. हम जब डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं तो वो जो मेथड है उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग, डाटा को हैंडल करना. देन व्हाट इज द नीड ऑफ डाटा हैंडलिंग, क्या जरूरत है हमको इस डाटा को सिस्टमेटिक अरेंज करने का, राइट? बिकॉज व्हेन एवर वी नीड एनी इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, वी कैन इजीली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, दैट्स व्हाई वी अरेंज द डाटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर. जहां पे भी डाटा बहुत यूज होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा होती है, तो वहां हमको डाटा को अरेंज करना जरूरी हो जाता है. अदरवाइज हम फिर जब भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी हम उसको इजीली पिक नहीं कर पाएंगे, हमको सारा डाटा उसको चेक करना पड़ेगा. और अगर सिस्टमेटिकली अरेंज होगा, जैसे क्लास रजिस्टर है आपका क्लास, तो आपका सिस्टमेटिकली रोल नंबर वाइज अल्फाबेटिकली सब स्टूडेंट्स अरेंज होते हैं, तो पर्टिकुलर जैसे ही रोल नंबर चेक किया जाता है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आप विद इन 2 मिनट्स पिक कर सकते हो, राइट? तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग, राइट? हम टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, पिक्टोग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. नाउ हियर वी डिस्कस द टेबुलर फॉर्म इन विच वी विल डिस्कस दैट वेन एवर वी अरेंज द डाटा इन टेबुल फॉर्म, देयर इज टू टाइप ऑफ टेबल. फर्स्ट इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल and second is grouped frequency table. Now, what is ungrouped frequency table or frequency क्या होती है, ungrouped frequency, कुछ basic terms हम यहाँ discuss करते हैं पहले. कि table के अंदर जब हम किसी data को organize करते हैं, data को systematically arrange करते हैं, तो एक table होती है जिसमें हम लोग directly, जैसे हमने ले लिया कोई color, ले लिया red, blue, right, white, और यहाँ पे number उसी पे आ जाएगा कि how many times, how many times they come, जैसे 5 times आया, 10 times आया, 15 times आया, right? Green, और कुछ भी लेबल है, लॉक 20 times आया, ये अपने कलर आ गया और ये आपके नंबर ऑफ बॉल्स आ गए. तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, हमारी जो डाटा कितनी बार रिपीट होता है, कितनी बार आता है, हाउ मेनी टाइम्स डाटा अकर्स इन टेबल इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी, राइट? अब ये जो टेबल है इज नॉट एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें कोई कहीं भी क्लास इंटरवल डिफाइन नहीं है. अब जब हम नेक्स्ट टेबल हम डिस्कस करेंगे वहां हम देखेंगे कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है. जब डाटा बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, नंबर ऑफ डाटा ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको यहाँ क्लास इंटरवल में डिफाइन कर देते हैं. ऐसे एक रेंज डिसाइड कर देते हैं, सपोज ये कोई मार्क्स है, क्या है ये मार्क्स, और यहां ले लेते हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट?
मेरे मान लो 7 आए, 10 आए, 20 आए और 5 मार्क्स आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स के 50 टू 20 मार्क्स आए, बिटवीन 15 टू 20 मार्क्स आए। ये टेबल्स अब कैसे फॉर्म की जाती है, कैसे बनाई जाती है, ये भी आपको डिस्कस करने को मिलेगा इन क्लास 9। हम टेबल्स को कैसे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल्स को कैसे फॉर्म करते हैं, हम क्लास 9 में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमको जिसकी बेसिक सिर्फ डिफरेंस पता लगा या समझ रहा है आपको, ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसमें कहीं कोई क्लास, दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल एंड दिस इज नोन एज लोअर लिमिट्स, 0, 5, 10, 15, ये सब लोअर लिमिट्स है और ये सारी क्या है, अपर लिमिट्स है, राइट। तो यह क्या कहलाती है, क्लास इंटरवल्स। क्या होते हैं क्लास इंटरवल्स, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 5 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के, 5 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 यहाँ इंक्लूड होगा। अगर किसी स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए तो वो इस यहाँ काउंट होगा, यहाँ 0 से 4 तक के मार्क्स वाले आएंगे, यहाँ 5 से 9 मार्क्स जिसके आए वो स्टूडेंट्स काउंट होंगे, यहाँ 10 to 14 स्टूडेंट्स क्योंकि 15 यहाँ काउंट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। तो दिस इज द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल एंड दिस इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, राइट। ये फ्रीक्वेंसी टेबल कब बनाई जाती है, जब हमारे पास नंबर ऑफ डाटास कम होते हैं, राइट। और ये टेबल कब बनाई जाती है, फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, जब नंबर ऑफ डाटास ज्यादा होते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारे पास ज्यादा होते हैं, 1000 ऑब्जर्वेशन है तो हम 1000 ऑब्जर्वेशन बनाए लिखेंगे, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे कैटेगरी और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसीज काउंट करके लिखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द टेबल ऑफ फॉर्म। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डाटा एंट्री, ओके, थैंक यू।